इज द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल कौन कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। टी और कॉफी एक दूसरे की जगह पे, राइस और व्हीट एक दूसरे की जगह पे, रोटी चावल है ना, या पेप्सी और कोक। तो यहाँ पे क्लास मुझे लगता है कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो नहीं है। द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स डैश विद एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स है जिनका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, जबकि बाकी का इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लीड्स टू, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो, क्योंकि ये दूसरे कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि ये दूसरे कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो मेन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। सबसे गुड्स में प्राइस बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, लेकिन प्राइस एक्स का डिमांड वाई का सेम का नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि अदर फैक्टर से होता है तो इंक्रीज इन डिमांड। और अगर ये सेम कमोडिटी से होता तो क्लास डिमांड का बढ़ना एक्सटेंशन इन डिमांड, डिमांड घटना कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एबीसी थ्री कमोडिटीज हैं। ए बी आर कॉम्प्लीमेंट्री वेयर एज ए सी आर सब्स्टिट्यूट विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ए। ए का अगर प्राइस बढ़ेगा तो बताओ क्लास इसका क्या आंसर होगा? ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ए का प्राइस अगर बढ़ेगा तो बी की डिमांड घटेगी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव होता है इफेक्ट। और ए और जो सी है, ए और सी है वो क्या है क्लास? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है। तो ए का प्राइस अगर बढ़ेगा तो सी की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। तो इसमें क्या पूछा है? विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए, अगर ए का प्राइस बढ़ेगा तो बी की डिमांड घटेगी और सी की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिमांड फॉर ए एंड बी विल फॉल। भाई सुनो, ए का प्राइस बढ़ेगा तो ए की डिमांड तो घटेगी ही घटेगी, साथ में बी की डिमांड भी घटेगी, वेर एज डिमांड सी राइजेस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका ऑप्शन भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो करेक्ट है। ठीक है, व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांड साइमल्टेनियसली, एक साथ, अगर भैया एक साथ डिमांड करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? जॉइंट डिमांड। अगर आप एक साथ डिमांड करते हो तो हम क्या बोलेंगे? जॉइंट डिमांड। देर इज अ डैश इन डिमांड कर्व ऑफ कार व्हेन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी कार की, तो कार की डिमांड कम होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। कैसा शिफ्ट होगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। तो सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिमांड घटता है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, कुछ नहीं है ऑल्टरनेट डिमांड, वो तुम्हें खामखा में एक की जो दूसरा डिमांड कर सकते हैं। अगर मैं चाय नहीं पी सकता तो कॉफी पी सकता हूं, तो उसकी जो ऑल्टरनेट डिमांड वो है, वो ऐसी कंफ्यूज करने को दिया है, आप छोड़ दो उसको। डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी जनरली ड्रॉन ऑन अजम्पशन दैट, डिमांड कर्व हमेशा एक अजम्पशन को लेके बनाया जाता है। क्या? प्राइस ऑफ डू नॉट चेंज, प्राइस जो है वो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट है। टेस्ट प्रेफरेंस भी रिमेन सेम, दो सही है। तो ऑल ऑफ दीज कुल मिला के अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, बता देना क्लास। अदर फैक्टर जो है वो क्या है क्लास? कॉन्स्टेंट है। अदर फैक्टर विल नॉट चेंज। विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनमें से कौन सा सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल नहीं है? टी कॉफी तो है, पेप्सी कोक तो है, बॉल एंक ये है। तो क्या ब्रेड की जगह बटर, बटर की जगह ब्रेड इस्तेमाल किया जाता है, या दोनों साथ? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बाकी तीनों सब्स्टिट्यूट है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कैसा रिलेशनशिप है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप है। एक्सपेंशन इन डिमांड लीड्स टू, एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब डिमांड का घटना प्राइस के बढ़ने की वजह से। एक्सपेंशन इन डिमांड मतलब डिमांड का बढ़ना प्राइस के घटने की वजह से। तो प्राइस अगर घट रहा है तो जो शिफ्ट है वो भी डाउनवर्ड ही होगा। अगर प्राइस घट रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम डिमांड कर्व, जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। विच वन ऑफ दीज डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, कौन सा इंडिविजुअल डिमांड का डिटरमिनेंट है? क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, साइज कॉम्पोजिशन ऑफ, ये सब पे इम्पैक्ट डालेगा। सीजन वेदर सब पे इम्पैक्ट डालेगा। तो ये सब चीज जो है वो किसका डिटरमिनेंट है? मार्केट डिमांड का। तो इंडिविजुअल का कौन है क्लास 11 में? इंडिविजुअल का कोई भी नहीं है। इंडिविजुअल कोई भी नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिमांड स्केड्यूल इफेक्ट ऑफ डिमांड कर्व, प्राइस सेम है, डिमांड घट रहा है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। प्राइस सेम है और डिमांड घट रहा है तो क्या होगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। प्राइस सेम है और डिमांड जो है, प्राइस सेम है और डिमांड घट रहा है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। 10th का क्या होना चाहिए बेटा? 10 में एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का बढ़ना। तो डिमांड किसकी वजह से घटता है? प्राइस के घटने की वजह से। और प्राइस अगर घटेगा तो मूवमेंट डाउनवर्ड होगा। बेटा डिफरेंस को बहुत अच्छे से देखो,
टेन का बी ही होगा, राइट। इंडिविजुअल डिमांड का वही होता है, इनकम जो है, इनकम हो गया, ठीक है, इनकम आपका इंडिविजुअल डिमांड इनकम हो गया, आपका सब्स्टिट्यूट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी हो गया, ये सारी चीजें। 10 का हो गया, 12 का हो गया, 13 एक्सपेंशन इन डिमांड अकर। एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब डिमांड का बढ़ना किसकी वजह से, प्राइस के घटने की वजह से, तो फॉल इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। 14 का सडन चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन रिलेटिंग हॉट वेदर अज्यूमिंग नो चेंज इन प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक। गर्मी बढ़ गई तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड क्या होगी, गर्मी अगर बढ़ गई तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड क्या होगी, मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, मूवमेंट क्यों नहीं होगा क्लास, क्योंकि भैया मूवमेंट तो ओन प्राइस की वजह से होता है, ये तो वेदर की वजह से हो गया, और वेदर जो है वो क्लास एक तरीके का मार्केट डिमांड है, सब पे इंपैक्ट डालेगा, सारे ग्राहकों पे इंपैक्ट डालेगा, राइट। तो 14 क्वेश्चन का जो है क्लास ऑप्शन बस सी है, क्योंकि अज्यूमिंग देयर नो चेंज इन प्राइस कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा क्लास, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अब मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व फॉर सॉफ्टिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, मूवमेंट अलोंग विद द सेम डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक, मूवमेंट अलोंग विद सेम डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मैंने आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्लास बताया था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर, कि आप चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है वो ओन प्राइस की वजह से आता है, और जो मूवमेंट है ये भी किसकी वजह से होता है, ओन प्राइस की वजह से, जो मूवमेंट है वो भी ओन प्राइस की वजह से होता है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो भी ओन प्राइस की वजह से होता है, ठीक है। और ये जितने भी है इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, ये सब अदर फैक्टर से होता है। नेक्स्ट, इफ मोर इज डिमांडेड एट सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी हायर प्राइस, दिस फैक्ट इज ऑफ डिमांड इज नोन एज। इफ मोर इज डिमांडेड, बताओ क्लास, अगर ज्यादा डिमांड किया जा रहा है सेम प्राइस पे तो ये इंक्रीज इन डिमांड हुआ ना, अगर ज्यादा डिमांड किया जा रहा है सेम प्राइस पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, आप देखो, अच्छा मुझे बताओ, जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट किसके अंदर होता है, आप डिफरेंस देखो, मैंने साफ साफ लिखवाया है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में मूवमेंट होता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, और चेंज इन डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो 15 क्वेश्चन में सी ही होगा ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब चेंज प्राइस की वजह से हो रहा है, और चेंज इन डिमांड का मतलब चेंज हो रहा है अदर फैक्टर की वजह से, राइट। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, खाली डिमांड अगर लिखा है तो ड्यू टू अदर फैक्टर्स, तो आप एक बार डिफरेंस जरूर देखना है क्लास में, डिफरेंस में चीज कराया है, राइट। डिफरेंस बेटा एक लाइन का नहीं है, डिफरेंस पूरा का पूरा हमने आधा घंटा लगा के किया था, तो वो एक बार देख लेना। 17 क्रॉस डिमांड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन, क्रॉस डिमांड रिलेशनशिप किसके बारे में बताता है, क्रॉस डिमांड का मतलब एक्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो वाई की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा, इसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड। डिमांड फॉर गिवन गिवन कमोडिटी प्राइस रिलेटेड गुड्स, डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी इनकम, इनकम की बात नहीं करता, टेस्ट की बात नहीं करता, क्रॉस डिमांड का मतलब क्या है, केक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे के डिमांड पे उसका क्या असर पड़ेगा, यही है। 17, 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो कौन सा क्लास लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इनमें से कौन सा लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन जो है वो नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन कौन सा नहीं है, नहीं बोल रहा है, ठीक है। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी डू नॉट चेंज, यार एक बार बताओ, लॉ ऑफ डिमांड तो कहता ही है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा, है ना, वो तो खुद ही कहता है प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा, तो आप उसे कैसे कॉन्स्टेंट कर लोगे, खुद सोचो। तो 18 का डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट रहेंगी, लेकिन जो खुद का प्राइस है यार वो तो चेंज होगा ही होगा, राइट। एक्सपेक्टेशन जो था ना बेटा, एक्सपेक्टेशन अगर तुम्हें लगता है फ्यूचर में सस्ता हो जाएगा तो आज डिमांड कम करोगे, अगर तुम्हें लगता है फ्यूचर में चीजें सस्ती हो जाएंगी तो आप आज डिमांड कम करोगे, फ्यूचर में चीजें महंगी हो जाएंगी तो आप डिमांड आज बढ़ा दोगे, ये है। चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स ए अफेक्ट द डिमांड फॉर गुड बी, बताओ क्लास, अगर ए का प्राइस बढ़ेगा तो डी की डिमांड अफेक्ट होगी, तो वो कौन सा है, सॉरी बढ़ेगा कहीं लिखा नहीं है, चेंज लिखा है, अगर एक का चेंज होगा
तो या तो वो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, क्या दोनों हो सकता है? क्या दोनों हो सकता है? या फिर क्लास या तो वो सब्स्टिट्यूट होगा या तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, है कि नहीं? तो अगर वो चेंज हो रहा है क्लास, तो या तो वो सब्स्टिट्यूट होगा या तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है? तो यानी कि इधर, यानी कि इधर ए और बी, या तो क्लास वो सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट्री भी, राइट? इधर वाला रहेगा इधर। टिपिकल डिमांड स्केड्यूल, क्वांटिटी स्केड्यूल, क्वांटिटी डिमांड इन अ टिपिकल डिमांड स्केड्यूल, क्वांटिटी डिमांडेड। तो टिपिकल डिमांड स्केड्यूल में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्लास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली, ऑब्वियस है क्लास इनवर्सली होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, तो जो मार्केट डिमांड है जो क्लास पूरी मार्केट पे इम्पैक्ट डालेगा वो कौन सा होगा? इनकम ऑफ कंज्यूमर, सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, सीजन हो गया, क्लास करो एक बार, बाकी क्वेश्चंस को देखो एक मिनट। बताओ क्लास क्या होगा इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटरमिनेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटरमिनेंट्स, कौन सा क्लास डिटरमिनेंट है मार्केट डिमांड का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, तो क्लास मार्केट डिमांड, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, सीजन, वेदर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो यहां पे क्लास आप क्या लिखोगे? ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीड्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब डिमांड घटेगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है क्लास? कि डिमांड का घटना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी कि डिमांड का घटना। तो डिमांड घटेगा अदर फैक्टर से तभी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, अदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड घट रहा है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो 22 का क्या होगा बताओ? इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ेगी। इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, इंक्रीज इन प्राइस। तो क्लास 22 का जो होगा ए होगा, इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। बेटा इंफीरियर गुड्स क्या होता है? इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है बताना जरा? 22 में इंफीरियर गुड्स में क्या होता है? नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है या पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है इंफीरियर में? नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या है? तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड घटेगी। तो डिमांड घटेगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, तो अगर तुम इनकम बढ़ाओगे तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी, तो डिमांड कब? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बाकी किसी चीज को, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आज डिमांड बढ़ाओगे, इंक्रीज पॉपुलेशन होगा तो आज डिमांड जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज इन इनकम नॉर्मल गुड्स में कमाई, तो इन सब में डिमांड बढ़ रहा है, बट ए ऑप्शन में डिमांड घट रहा है, तो ए ऑप्शन में डिमांड घटेगा। बेटा एनटी का रिजल्ट जिस दिन सारे बच्चों के पेपर हो जाएंगे उसके 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगा। एनटी का रिजल्ट चेक नहीं होता है, सारा कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है? और आप लोग कंप्यूटर इंटरनेट पे जाके एक बार प्लीज एनटी का मॉक टेस्ट वगैरह देख के ट्राई कर लेना, बनाना उसको 1 घंटा इंटरनेट पे जाके ताकि प्रैक्टिस कर सको। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लीड्स टू, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस है अगर वो घट गया, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा इफेक्ट होता है? नेगेटिव। तो डिक्रीज होगा तो क्लास क्या हो जाएगा? एक चीज इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि प्राइस इंक्रीज होगा, और प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो मूवमेंट अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा? प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट। और अच्छा देखो मुझे बताओ, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मूवमेंट तो होगा नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मूवमेंट तो होगा नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है फिर? शिफ्ट। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर क्लास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो मेन गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होगी?
बढ़ेगी और घटेगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस बढ़ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है, डिक्रीज होगा, तो मेन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट बढ़ेगी ना। ए प्राइस ऑफ गुड्स एक्स राइज इट लीड्स टू फॉल इन डिमांड फॉर वाई। एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड घटेगी, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड घटेगी। नेगेटिव किसके अंदर होता है क्लास, नेगेटिव, एक सेकंड, हाँ नेगेटिव किसके अंदर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर, ठीक है। हाँ सब नहीं नहीं सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री इन सब में शिफ्ट होता है, मूवमेंट नहीं होता। ओके बेटा 23 का सी होगा, 23 कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट, इनका प्राइस अगर चेंज होता है तो डिमांड में शिफ्ट होता है, मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट ओन प्राइस की वजह से होता है। तुम एक चीज देख लो, मेजर क्वेश्चन डिफरेंस है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप डिफरेंस को देखो पहले, उसके बाद आप आंसर दो। मार्केट डिमांड कर्व इज ऑप्टेन बाय, मार्केट डिमांड कर्व आपको कैसे मिलेगा, मार्केट डिमांड, क्या आप मार्केट डिमांड जो है वो इस तरीके से बनाया सिखाया था या इस तरीके से बनाना सिखाया था, हॉरिजॉन्टल सिखाया था ना क्लास आपको, तो हॉरिजॉन्टल। 25th का भी, 26 का कैटरिस पेरिबस मींस, कैटरिस पेरिबस किसको कांस्टेंट करना चाहते हैं, कैटरिस पेरिबस किसको कांस्टेंट करना चाहते हैं, मीन्स वो बींग प्राइस को कॉन्स्टेंट करते हैं, अदर फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट करते हैं, अदर फैक्टर्स को वो कॉन्स्टेंट करते हैं, लिखवाया था मैंने तुम्हें साफ साफ। प्राइस को कैसे कॉन्स्टेंट कर लेंगे बेटा, अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट करेंगे। देखो जो मार्केट डिमांड कर्व है ना, वो सम का सम है, किसके सम के बराबर है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व के सम के बराबर है। तो इंडिविजुअल आपको मैंने कैसे सिखाया था मार्केट डिमांड का, याद है आपको, क्या आपको याद है, मैंने आपको जो मार्केट डिमांड का डायग्राम बनवाया था ये आपको याद है, मार्केट डिमांड का जो डायग्राम बनवाया था ये आपको याद है क्या? तो ऐसे ही बनवाया था, ये हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है, ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है, ये बताओ आप, इसको मैं क्या बोलूं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो अब बस देख के लगा दो आप टिक उस पे। नेक्स्ट चेक करो क्लास, यहां तक हो गया हो तो। 27, 26 में ना कैटरिस पेरिबस साहब ने कहा था अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड में उन्होंने ही दिया था, एन इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर हिम टू बाय मोर क्वांटिटी हुज प्राइस हैज फॉलन, दिस इज नोन एज इंक्रीज इन इनकम। अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा कमोडिटी को खरीदोगे, जिस चीज का प्राइस कम हो जाएगा आप उसे ज्यादा खरीद सकते हो, आपकी इनकम बढ़ रही है, तो आप इसे क्या बोलोगे बताओ क्लास 27 में क्या बोलोगे, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इंड्यूसमेंट इफेक्ट या यूटिलिटी इफेक्ट। तो क्लास इनकम की बात चल रही है, तो इनकम अगर बढ़ेगी, सामान सस्ता होगा, तुम्हारी इनकम तुम्हें ज्यादा लगेगी, तो इनकम इफेक्ट। एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब डिमांड का घटना प्राइस के बढ़ने, सॉरी उल्टा बोल दिया, एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब है डिमांड का बढ़ना प्राइस के घटने की वजह से, राइट। हाँ तो प्राइस इंक्रीज अगर हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज होगा, अगर प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, और इस डिक्रीज इन डिमांड को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। एक्सपेंशन इन डिमांड किससे एसोसिएटेड है बेटा, एक्सपेंशन इन डिमांड किससे एसोसिएटेड है मुझे बताओ, एक्सटेंशन इन डिमांड किससे एसोसिएटेड है मुझे बताओ। हाँ ब्रेक दे रहा हूं क्लास, बस 5-7 मिनट में ब्रेक देता हूं आपको। एक्सपेंशन इन डिमांड किससे, 30 तक कर लो फिर ब्रेक ले लेना। ये बता दिया, प्राइस फॉल, फॉल इन प्राइस, फॉल इन क्वांटिटी डिमांड, फॉल इन प्राइस राइज, सी 28 का सी। 29 इफ एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट्री देन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, अगर एक्स और वाई जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है देन विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, अगर एक्स का प्राइस बढ़ेगा, एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, एक्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो वाई की डिमांड जो है वो कम होगी, ठीक है। एक्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो वाई की डिमांड कम होगी, कौन सा होगा 29 का मुझे बताओ, एक्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो एक्स की डिमांड तो कम होगी ही होगी, साथ में वाई की भी डिमांड कम होगी, डिमांड फॉर एक्स एंड वाई विल डिक्रीज, है ना। एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो एक्स की डिमांड कम होगी, साथ में वाई की भी डिमांड कम होगी, क्योंकि वाई जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इफ टी कॉफी आर सब्स्टिट्यूट फॉल इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू, अगर टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट है, तो अगर टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट है, टी का प्राइस घट गया तो टी की डिमांड बढ़ेगी और कॉफी की डिमांड घटेगी,
तो टी की डिमांड बढ़ेगी और कॉफी की डिमांड घटेगी विल बी राइट आंसर। तो आप मुझे बताओ, राइज इन डिमांड फॉर टी ये भी करेक्ट है, और फॉल इन डिमांड फॉर कॉफी थर्ड पॉइंट ये भी सही है। पहला और तीसरा कौन सा ऑप्शन है क्लास 30 में? बी ऑप्शन। चलो अभी इसमें 15 क्वेश्चन और। इन सेम वाइल ड्यूरिंग इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट विच वन इज इट, बताओ क्लास विच वन इज इट, फटाफट बताओ क्लास क्या होगा इसका आंसर, विच वन इज इट, कौन सा? सी ए, देखो क्लास देखकर मुझे बताओ फटाफट। विच वन इज इट? 31 क्लास, 31, 30 तक हम लोगों ने कर लिया था, 31 क्लास। सी लग रहा है तो सी सही है, बिल्कुल सी लग रहा है, सी इज करेक्ट, सी लग रहा है, सी ही सही होगा। ऑल एक्सेप्ट एक को छोड़कर रिमेन सेम वाइल ड्रॉइंग एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है मतलब कि एक चीज को छोड़कर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो प्राइस थोड़ी कांस्टेंट रहेगा। विद द फॉल इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज एट बिकम्स रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन ऑफ अदर कमोडिटी, इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, विद फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस एंड इट्स बिकम रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू ऑल कमोडिटी, दिस इफेक्ट इज नोन एज, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट बोलेंगे, इनकम इफेक्ट बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, या फिर क्या बताओ क्लास? विद द फॉल इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, ओन कमोडिटी का प्राइस अगर फॉल होगा, डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस, ठीक है, डिमांड क्योंकि बढ़ रहा है क्योंकि दूसरा कमोडिटी जो है चीपर लग रहा है, तो इस टाइप के इफेक्ट को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये बताया था ना मैंने आपको, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ डीएमयू और ये सब चीजें। 33, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स इज गिवन ये, वेयर पी एक्स स्टैंड फॉर द प्राइस और डिमांड, द डिमांड एट प्राइस ऑफ टू विल बी, अगर प्राइस टू होगी तो डिमांड कितना होगा, अगर प्राइस टू है तो आपका जो डिमांड है वो कितना, कैलकुलेट करके मुझे बताओ, प्राइस अगर टू है तो डिमांड कितना होगा? 31 क्लास में बता चुका हूं आपको, 31 कहता है कि एक चीज को कांस्टेंट, एक चीज को छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट रखना होता है, तो लॉ ऑफ डिमांड में एक चीज को छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट रखना होता है, तो वो क्या चीज है जो आप छोड़ते हो? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, तो लॉ इसकी बात करता है, राइट। तो 33 में द डिमांड फंक्शन दे रखा है, तो डीएक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इनटू प्राइस, कितना है क्लास? प्राइस जो है वो आपको दो दे रखा है, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, 33 का भी वैल्यू पुट करने और कुछ नहीं, ये दे रखा है पीक स्टैंड। इफ द डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स इज गिवन एक्स, इतना आपको दे रखा है, डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स इज गिवन, इतना डिमांड फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है 3px, वेर px स्टैंड फॉर प्राइस, इफ एन इंडिविजुअल वाई हैज डिमांड 8 यूनिट्स देन द मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज, तो मार्केट प्राइस आपको बताना है कि कितना होगा, चेक करो क्लास 34 में कितना आएगा। द डिमांड फॉर द डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स इज गिवन dx 20 माइनस 3 इंटू px, वेर px स्टैंड फॉर द प्राइस, प्राइस है, इफ एन इंडिविजुअल वाई हैज डिमांडेड 8 यूनिट्स, वाई जो है 8 यूनिट्स की डिमांड करता है, और देन द डिमांड देन द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज, आपको प्राइस पूछा गया है, आपको प्राइस पूछा गया है, तो आप कैसे निकालोगे इसको? अगर आप 8 ले लोगे, सॉल्व करो आ जाएगा आंसर, तो 12 को 3 से डिवाइड हो 4 आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 20 माइनस 3 पी एक्स, प्राइस पूछा है क्लास, पी एक्स का मतलब प्राइस है, 3 पी एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 8, 3 पी एक्स इज इक्वल टू 12, 12 अपॉन 3 तो आएगा 4, ए 34 का है। 35 आपको सेम दे रखा है, 35 द डिमांड फॉर अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज, इतना दे रखा है पी एक्स, तो ये आपको करना है क्लास 35, 35 करके मुझे बताओ कितना आएगा, 35
35 का आंसर, 34 में तो वैल्यू पुट कर दिया आपने डिमांड की जगह, 35 मुझे बताओ। द मार्केट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 3 विल बी, मार्केट प्राइस 3 विल बी, तो आप एक काम करो ना, डिमांड निकाल लो, मार्केट प्राइस को 3 ले लो, मार्केट प्राइस को आप 3 ले लो, तो डिमांड जो आएगा वो कितना आएगा, 12 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना आएगा, 12 माइनस 6 तो 6 आएगा, और कितने कस्टमर है क्लास, 5,000 कस्टमर हैं, तो अगर 5,000 कस्टमर हैं तो 6 5 जा कितना आ जाएगा, 30, तो 35 का आ गया क्लास बी विच इज 30,000। ठीक है, टू कमोडिटी ए एंड बी कैन बी इन्फर्ड एज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट ईच अदर, दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट का कैसे पता चलता है आपको बेटा, सब्स्टिट्यूट का कैसे पता चलता है, सब्स्टिट्यूट का एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी, राइज इन प्राइस ऑफ वन लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर एंड वाइस वर्सा, राइट, राइज इन प्राइस ऑफ वन लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगी और वाइस वर्सा, तो यार यही ऑप्शन सही है 36 का। 34 में 34 को सॉल्व करो ना आप, तो 20 इंटू 3 इंटू क्लास आपको दे रखा है, डिमांड 8 दिया हो तो डिमांड की जगह पे ना, ये डिमांड 8 दिया, डिमांड की जगह पे 8 रख लो, बस सॉल्व कर दो इसको आ जाएगा। और 32 की बात करें अगर, 33 की, तो 33 में प्राइस 2 दिया हुआ है, तो प्राइस इसमें वैल्यू पुट करनी है बस आपको, और कुछ नहीं, प्राइस की जगह पे वैल्यू पुट करो। 37, अ गुड कैन बी कंसिडर एज नॉर्मल गुड्स इफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गिवन गुड्स, क्योंकि नॉर्मल गुड्स में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, एक का प्राइस बढ़ेगा एक की डिमांड बढ़ेगी। अ गुड्स कैन बी कंसिडर एज नॉर्मल गुड्स इफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर कॉज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स, तो 37 का भी क्या होगा, 8 होगा। 38, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कॉज, मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ओन प्राइस से होता है, अदर फैक्टर से होता है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ओन प्राइस से, चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, बिकॉज ये सारा का सारा क्या हो गया, ये सारा का सारा हो गया अदर फैक्टर्स, राइट। 39, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स द इंपैक्ट ऑन प्राइस डिमांड कर्व ऑफ इंफीरियर गुड इज, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल, अगर कंज्यूमर की इनकम घटेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड घटेगी, और जब डिमांड घटेगी तो डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होगा, सॉरी बढ़ेगी, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल, इनकम घटेगी तो जो इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, अगर इनकम घटती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और अगर इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो वह कहां शिफ्ट होगा, राइट, क्योंकि इसमें राइट और लेफ्ट शिफ्ट होता है। इफ ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्ट डिमांड फॉर गुड्स वाई राइजेस, बताओ क्लास क्या होगा, इफ ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, बताओ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स क्या होगा इसका आंसर, बताओ सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर है क्लास 39 हो चुका है 40, इफ ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स डिमांड, एक का प्राइस घटेगा दूसरे की डिमांड बढ़ेगी तो दोनों कैसे गुड्स क्लास होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्स, राइट। इफ विद द राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई द डिमांड फॉर गुड्स एक्स राइजेस, द टू गुड्स आर, इफ विद इन राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई, अगर गुड्स वाई का प्राइस घटेगा डिमांड फॉर गुड्स एक्स राइजेस, तो एक्स की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, द टू गुड्स आर, इफ विद द राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई डिमांड फॉर गुड्स एक्स राइजेस, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी तो सब्स्टिट्यूट होगा। 40 में सब्स्टिट्यूट कैसे होगा बेटा, प्राइस फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, एक्स का प्राइस घट गया और वाई की डिमांड बढ़ गई तो ये तो नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये सब्स्टिट्यूट होगा ना 41 का, राइट। 40 बता दो दिया, नेगेटिव, आप रिलेशनशिप देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक का प्राइस घटेगा दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, पेट्रोल सस्ता हो गया कार की डिमांड बढ़ेगी, तो ये कैसा गुड्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री तो होता है। 42, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज जनरली, तो आप मुझे बताओ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है। 43, एनी स्टेटमेंट इज अबाउट डिमांड फॉर अ गुड इज कंसर्न कंप्लीटली व्हेन द फॉलोइंग इज मेंशन इट, एनी स्टेटमेंट अबाउट डिमांड फॉर अ गुड इज कंसिडर कंप्लीट
कंसिडर तभी होगा जब फॉलोइंग इज मेंशन, तो फॉलोइंग अगर मेंशन होगा तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए क्लास डिमांड के बारे में। प्राइस ऑफ गुड्स होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, क्वांटिटी। मैंने बताया था ना डिमांड की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कि व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइस इन द मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री। गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड तो घटेगी, तो हम सबको पता है। बट कॉम्प्लीमेंट्री में अगर एक्स का प्राइस बढ़ता है तो वाई की डिमांड भी घट जाती है। ये बातें हमें पता चल गई। फिर क्या लिखा है, वाइल एक्स और जेड आर सब्स्टिट्यूट। अगर एक्स और जेड सब्स्टिट्यूट है तो इसका प्राइस बढ़ेगा, इसकी डिमांड घटेगी, और इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। सबसे गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। व्हाट हैपेंस टू गुड्स वाई एंड गुड्स एक्स इफ द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स डिक्रीज। मेरी बात समझना, अगर प्राइस ऑफ गुड्स एक्स डिक्रीज हो गया तो इन्होंने देखो क्वेश्चन कितना घुमा दिया, क्वेश्चन कितना घुमा दिया क्लास। देखो इन्होंने बोला है कि इफ प्राइस ऑफ गुड्स एक्स डिक्रीज, अगर गुड्स एक्स का प्राइस डिक्रीज हो गया, सुनो मेरी बात, अगर एक्स का प्राइस डिक्रीज हो गया, अगर एक्स का प्राइस डिक्रीज हो गया तो एक्स की डिमांड बढ़ेगी, और क्योंकि वाई वाई जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो वाई की जो डिमांड है, एक्स का प्राइस अगर घटेगा तो वाई की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी क्लास, बढ़ जाएगी। एक्स का प्राइस घटेगा तो वाई की डिमांड बढ़ेगी, और अगर एक्स का प्राइस घटेगा, अगर एक्स का प्राइस घटेगा तो जेड की डिमांड भी घट जाएगी, क्योंकि जेड ऐसा गुड्स है क्लास, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो इसको आपको लिख के करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने फंसा दिया क्वेश्चन को थोड़ा, तो लिख के करना पड़ेगा। आप देखते हैं ओवरऑल मुझे क्या दिख रहा है, वाई की डिमांड बढ़ती दिख रही है, एक्स की डिमांड घटती दिख रही है, बस एक्स और वाई को व्हाट हैपेंस टू वाई एंड एक्स। ठीक है, तो एक्स की जो डिमांड है वो बढ़ेगी और वाई की डिमांड घटेगी। तो इस हिसाब से क्लास देखो, डिमांड फॉर वाई इंक्रीज और डिमांड फॉर जेड डिक्रीज, ये सही है क्लास ऑप्शन। जेड की डिमांड घट रही है, वाई की डिमांड बढ़ रही है, ये भी ठीक है। द डिमांड फॉर बोथ वाई एंड जेड इंक्रीज, तो वाई और जेड की डिमांड इंक्रीज है, गलत है। बोथ वाई एंड डिक्रीज, ये भी गलत है। द डिमांड फॉर वाई विल डिक्रीज, ये तो गलत है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, देखना क्लास सबका सी आ गया ना, सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ कम टू खत्म, अच्छा 45 भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं लिखा है, चेंज इन डिमांड लिखा है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं लिखा है, चेंज इन डिमांड लिखा है, बता दो। चेंज इन डिमांड, तो चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होता है, चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होता है। विच ऑफ फॉलोइंग रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड, इनकम, ये इसकी वजह से भी होता है। डी हो गया, हाँ डी, ऑल ऑफ दीज लिखा है, तो बस ऑल ऑफ दीज लगा दो, खत्म हो गया क्लास। ओके, तो इस तरीके से तुम्हारा ये जो थियोरी ऑफ डिमांड है, थियोरी ऑफ डिमांड के हमने 45 क्वेश्चन जो है वो फिनिश कर लिया। थियोरी ऑफ डिमांड के 45 एमसीक्यू जो है हमने क्लास यहाँ पे डन कर लिया, राइट। थियोरी ऑफ डिमांड हमारा कंप्लीट हो गया।